अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल फिट होंगे। देखिए, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा बिल्कुल व्लॉग लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और ज़रूर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और ये देखें कितनी बड़ी हरी मिर्च है, और ये जो अभी आपको क्लिप नज़र आया, मैं इसमें बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। सुबह का क्लिप है ये, और मोरेडेला के बहुत ही अच्छे सैंडविच बन जाते हैं, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं। लेकिन देखें, बिल्कुल ये गोल होते हैं, तो इसके अंदर अगर हम ब्रेड पे लगाते हैं तो वो हर तरफ नहीं, जब हम बाइट लेते हैं उसमें नहीं आता। तो अगर आप इस तरह से सेट करेंगे तो देखें बहुत ही अच्छी तरह पूरे में सेट हो जाता है। तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई करें इस तरह, और इसके ऊपर चाहें तो चीज़ लगा सकते हैं, और इसके अलावा हम इसके अंदर अंडा भी लगा सकते हैं। और बच्चों को रोज़ लंच में नई नई चीज़ें देना एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं कि जब वो लंच क्लास में ओपन करें तो उसके अंदर कोई रोज़ नई चीज़ हो। तो काफ़ी इस पर काम करना पड़ता है, और बच्चों को इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और फिर वो इसको ट्राई करते हैं। ज़ाहिर है, देखें ये रेडी हो गया है, और ज़रूर आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और इसके अलावा बस सिंपल सिंपल सी रेसिपीज़ होती है मेरी, ज़रूर उसको ट्राई किया करें। और सबके तीनों बच्चों के माशाल्लाह लंच मैंने तैयार कर दिए हैं, जो हर किसी की पसंद बिल्कुल बच्चों की अलग होती है आजकल। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, बच्चे माशाल्लाह स्कूल जा चुके हैं, और मैं अब आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या नाश्ता किया था। और ज़रूरी है कि मदर्स जो है वो इस तरह से अच्छा सा नाश्ता करें। देखें, ये आपको रोटी लग रही है लेकिन ये रोटी नहीं है, चने के जो काले चने होते हैं उसको मैंने पिसवाया हुआ है, और उसके अंदर देखें मैं चीज़ें ऐड करूँगी, क्योंकि ये इतना वज़न कम नहीं होता कि हम रोटी छोड़ दें और ज़रा सा खाएँ और फिर सारे काम भी करने सारे घर का। तो बस देखें वो सब चीज़ें, ज़ीरा, अजवाइन और तिल, मिर्चें, थोड़ी सी लाल मिर्चें, नमक, जो भी आपका टेस्ट है उसके मुताबिक आप सब चीज़ें ऐड करें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसको अच्छा सा पेस्ट बना लें। इसी तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैंने मूंग की दाल पिसवा के रखी है, पीली वाली जो होती है, और अब मैं कभी चेंज करती रहती हूँ क्योंकि एक चीज़ तो इंसान नहीं खा सकता। तो ये काले चने आपको पता है कितने सेहत के लिए कितने अच्छे हैं, तो इसको अच्छी तरह पिसवा लें और फिर इसको आराम से देखें इस तरह इसका आप रोटी बना के खा सकते हैं। क्योंकि अगर इसकी रोटी बनाएंगे जैसे हम आम पराठा बनाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो बेहतर है इस तरह बना के आप खाएं। और बहुत ही लाइट सा बिल्कुल ब्रश आप नॉन स्टिक पे हल्का सा आप लगा सकती हैं, उसके बाद इसको कवर ज़रूर करना है आपने, और ये बहुत ही अच्छी रोटी बनती है। कुछ दिन में आपका जायका डेवलप हो जाएगा और बिल्कुल देखें काप फ्री होती है, जिस तरह हमें रोटी से वेट ज़्यादा होता है तो इससे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है जब आप इस तरह का नाश्ता करना स्टार्ट करेंगे। एक हफ्ते में आप महसूस करेंगे कि आपके बॉडी में बहुत ही एनर्जी फील करेंगे आप, और घर के काम बहुत आसानी से हो जाएंगे, सारी जो बॉडी में पेन वगैरह होते हैं लेडीज़ को वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ अच्छा सा ऑमलेट आप बनाएं अपने लिए, और या चाहें तो हाफ़ फ्राई बना सकते हैं या कोई सालन भी खा सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। और इसके अलावा चाय में आप शहद का इस्तेमाल करें चीनी की जगह, और देखेंगे आपके बहुत जल्दी आपका वज़न इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। और चाय में नॉर्मल दूध ऐड करें, कोई पाउडर का दूध आपने ऐड नहीं करना। तो बस देखें अच्छा सा नाश्ता करें इस तरह, और फिर आप घर के काम जो भी आपने करने हैं एज अ मदर वो आप कर सकते हैं, कपड़े धोना, बर्तन सफाई, खाना, जो भी है, क्योंकि एनर्जी होगी तो सब काम होंगे। बस इसके बाद फिर ये कल की वीडियो है, हम लोग कल पांडा गए थे, बस मुझे कुछ घर का सामान लेना था जिसकी वजह से हम लोग पांडा जा रहे हैं, क्योंकि वीकेंड पे नहीं जा सके। जैसा कि आपको पता है कि हस्बैंड की आई में ग्लू जो है एल्फी वो चली गई थी, तो उसकी वजह से हम हॉस्पिटल गए और सब चीज़ें। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आँख जो है बिल्कुल ठीक है, और बस कुछ ड्रॉप्स हैं जो कि कुछ दिन और हमने आईज़ में डालेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएगी। और बस ये देखें हम लोग पांडा आ चुके हैं, और देखें कितने खूबसूरत यहाँ पे टमाटर थे जो कि हर कलर के थे, काफ़ी कलर के, और बहुत ही अच्छे लगे थे। और इसके अलावा काफ़ी दिनों बाद मुझे यहाँ पे कुछ ऑफ़र्स अच्छी नज़र आई हैं, अदरवाइज़ जिस तरह पाकिस्तान में बहुत महंगाई हो रही है तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी नज़र आ रही थी, तो अल्लाह का शुक्र है कुछ चीज़ें कम हुई हैं। और इसी तरह पाकिस्तान में अल्लाह ताला से दुआ है कि वहाँ पे भी कम हो प्राइस, और यहाँ पे भी हर जगह ही बहुत आजकल महंगाई हो गई है। और जब भी आप अनार लें यहाँ पे पांडा में, तो यमनी अनार लें, वो बहुत मीठे होते हैं। इसके अलावा केले बहुत यहाँ के मशहूर हैं, बहुत अच्छे और मीठे होते हैं। और सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छी थी, ख़ासतौर पर गाजरें बहुत ही फ्रेश आई थी, जिस तरह पाकिस्तान में रेड वाली आती हैं, ज़ाहिर है सर्दी आने वाली है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी आई हुई थी गाजरें। इसके अलावा मुझे कुछ दूध और दही वगैरह घर के लिए ज़ाहिर लेना था, वो मैं ले लूँगी।
बस लबन वगैरह का इस्तेमाल आजकल नहीं हो रहा क्योंकि सर्दियाँ अब हल्की हल्की स्टार्ट हो गई हैं और गले ख़राब और सब चीज़ें बहुत हो रही हैं बच्चों को भी और बड़ों को भी, तो बेहतर है कि थोड़े दिन ये ज़रा कम ली जाएँ क्योंकि तासीर बहुत ठंडी होती है इन चीज़ों की। तो बस दही वगैरह तो ज़ाहिर है खाने वगैरह में यूज़ होती है। इसके अलावा देखें कॉफ़ी मैंने ली, बहुत ही अच्छी मज़े की होती है, ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप लोग भी ये। और इसके अलावा देसी घी पे जो ऑफ़र थी बहुत ही अच्छी, वो मैंने लिया है। और बच्चों के लिए चीज़ वगैरह लिया है क्योंकि लंच में बहुत ज़रूरी होती हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, मैं ट्राई करती ही रहती हूँ। और देखिए हरी मिर्चें हस्बैंड ने कहा कि बहुत ही बड़े साइज़ की थी, वो कुछ ली हैं। और इसके अलावा हरा धनिया, पुदीना, जो सिंपल चीज़ें जैसा कि आप लोग लेते हैं वो सब चीज़ें मैं भी ले रही थी। और मैंने सोचा कि इस दफ़ा कुछ सब्ज़ी ली जाए, गोभी गोश्त बनाऊँगी, वो मैंने ली है। और कुछ चीज़ें देख रही थी, सब चीज़ें तो ज़ाहिर है जब वेट कम कर रहा होता है इंसान तो बस ये देखने के लिए होती हैं। दालचीनी ख़त्म हुई हुई थी, वो मैंने स्टिक ली है उसकी। और काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स थी, कोई अगर इंश्योर लेना चाहे तो यहाँ पे इंश्योर काफ़ी अच्छी ऑफ़र पे है पांडा में आजकल। और इसके अलावा देखें चॉकलेट मिल्क लिया है बच्चों के लिए, मैंने सोचा पहले जूस लूँ मैंगो का, लेकिन मेरा ख्याल है कि जूस से बेहतर है कि दूध वगैरह जो है नॉर्मल स्ट्रॉबेरी में भी होता है चॉकलेट, तो वो अच्छा लगता है बच्चों को। और चिकन वगैरह में भी अच्छी खासी ऑफ़र्स थी, लेकिन हम लोग तो खैर हरा से लेते हैं फ्रेश बिल्कुल। बस मैं आपको दिखा रही थी कि अगर कोई लेना चाहे यूज़ करता है तो वो ले सकता है। और इसके अलावा ऑलिव वगैरह पे भी बहुत अच्छी ऑफ़र थी, काफ़ी दिनों बाद ऑफ़र्स नज़र आई हैं तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। जो लोग रियाद में रहते हैं ज़रूर यहाँ पांडा में जाके ले सकते हैं, और हर पांडा में तकरीबन सेम ऑफ़र्स ही चल रही होती हैं। कुछ होता है कि कुछ पांडा में उनकी अपनी अलग ऑफ़र्स आती हैं बहुत कम, लेकिन अक्सर जो होती हैं वो सेम ही हो रही होती हैं ऑफ़र्स। तो बस देखिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे अच्छी जो ऑफ़र्स थी वो ब्यूटी यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, क्योंकि देखें इस तरह के हमने मास्क वगैरह लिए हैं जो कि काफ़ी 33 के 9 में मिल रहे थे, 4 उसके अंदर मास्क हैं और बहुत ही अच्छे। मैं अभी आपको घर जाके दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी तरह हमें। और ये देखें जो मैंने क्लिनजिंग वाटर लिया था ये 2 मिले थे, 36 में मुझे 2 मिले हैं। और यहाँ पे अब देखें ऑफ़र ख़त्म हो गई लास्ट टाइम जो लगी हुई थी, और अब 1 मिल रहा है। तो इस तरह की ऑफ़र्स 1 में हमें जब 2 चीज़ें मिल जाती हैं बहुत अच्छी लगती हैं, और ज़रूर हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसके अलावा देखें हम जल्दी से बस घर आ गए थे, बस जल्दी मैंने सामान लिया जो कि ज़रूरत की चीज़ें थी। और जल्दी से घर में भी एक सामान को रखना भी बहुत बड़ा काम है। बस कुछ मैंने फ्रूट्स लिए थे, कुछ नाश्ते का सामान, अंडे, रबोटी, दूध, दही, वो सब चीज़ें मैंने नहीं दिखाई आपको क्योंकि वही जो सबकी चीज़ें होती हैं आम। लेकिन ये जो ख़ास चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ देखें जो ऑफ़र पे बहुत ही अच्छी लगी, देखें ये काफ़ी महंगा था जो कि जस्ट 15 रियाल में मिल गया मुझे। और इसके अलावा मैं भी आपको दिखाती हूँ 2-3 चीज़ें मैंने और ली हैं। ये मैंने कलर लिया, ये तो खैर ऑफ़र पे नहीं था लेकिन इसे कलर बालों में बहुत अच्छा आता है, मैं आपको दिखाऊंगी आफ्टर बिफ़ोर। बहरहाल देखें ये वाइटनिंग मास्क था, ये इसमें भी ऑफ़र थी, ये भी बहुत अच्छा मिल गया। एक मैंने पहले भी लिया था, एक और लेके आई हूँ। और ये मास्क बहुत ही, इसके अंदर 2 ले लिए मैंने क्योंकि 4 मास्क हैं और 9 रियाल में बहुत ही अच्छी ऑफ़र है और आजकल लगी हुई है पांडा में। ज़रूर आप लोग जो लोग रियाद में रहते हैं ज़रूर इस ऑफ़र से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। और ये इस तरह के यहाँ पे ज़ाहिर है पॉलर वगैरह तो ज़्यादा इंसान यहाँ पे जा नहीं सकता क्योंकि एक तो महंगे बहुत हैं और फिर जो पाकिस्तानी पॉलर हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, तो बेहतर है कि इस तरह की चीज़ें ले ली जाएं और ख़ुद ही घर में आराम से हम लोग ट्राई कर सकते हैं। जब भी किचन में आप ना कोई बर्तन वगैरह धोते हैं या सफाई वगैरह, तो ये आराम से मास्क लगा सकते हैं और फिर अपना काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखें ये मैंने कुछ बॉडी जेल वगैरह भी लिए थे जिसके अंदर लोफा बिल्कुल फ्री मिला है, और ये भी बहुत, ये भी ऑफ़र में भी मुझे मिले हैं। और देखें लोफा भी बहुत अच्छा मिल गया इसके अंदर, तो ज़रूर ये सब चीज़ें आप लोग भी चाहें तो ले सकते हैं जो लोग रियाद में रहते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं भी और देख रही थी कि और क्या क्या चीज़ें ऑफ़र्स पे हैं क्योंकि वहाँ जाके तो जल्दी जल्दी इंसान ले लेता है बच्चों के साथ बस। लेकिन मैं अब चेक कर रही थी कोई ख़ास चीज़ जो कि बहुत और अच्छी ऑफ़र पे हो, जैसे हनी वगैरह भी बहुत अच्छा मिल जाता है यहाँ पे, शहद जो है। तो बस ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज का छोटा सा व्लॉग कैसा लगा। और इसके अलावा सबका देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक सबको अल्लाह हाफिज़।